हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सो यार, परसों की बात करें, परसों ना मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एमबीए चाय वाले का, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। तो एमबीए चाय वाले के एक जो इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो देख रहा था जिंदगी विद रिचा के शो पर, जो कि यूट्यूब पर है। तो शो देखते देखते उन्होंने जो काफ़ी सारे वर्ड्स बोले एमबीए चाय वाले ने, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, जहाँ पर उन्होंने का जो पहला एग्जाम्पल था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो था, उसने वो कहा था कि अगर आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी ऐसा काम करना है, कोई भी बड़े से बड़ा भी करना है, तो उसके लिए आप मतलब बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आप चार ईंटें ला के वहाँ पर रख दो। अब चार ईंटें वहाँ पर रखी हैं तो अगले दिन आपको ऑटोमेटिक रिमाइंड होगा कि यार मेरी चार ईंटें ला के रखी हुई हैं, और अब उसके लिए सरिया लाना है, लेबर लगानी है, सीमेंट लाना है और बाकी सारे काम करने हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चार ईंटें ला कर रखो तो आपको रोज़ याद रहेगा और वो प्रोसेस रोजाना होती रहेगी। एटलीस्ट अगले दिन नहीं होगी तो उसके अगले दिन तो होगी, कल नहीं तो परसों से ही, पर वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट तो होगी ज़रूर। ठीक है, तो यही आपको बताना था, बाकी देखते हैं आगे कौन सी वीडियो आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। रिचा मैम, डेस्टिनी देखो, मैंने जिस समय सोचा कि चाय का ठेला चालू करूंगा, उसके समय बर्तन की दुकान थी उस एरिया में, और मैं घुस गया, तपेली ले ली, चाय छन्नी ले ली, दो तीन आइटम ले लिए, केटल ले लिया, मैंने कहा ये ले लूंगा, ये घर में पड़े रहेंगे मेरे रूम में, तो मेरे को प्रेशर आएगा कि यार अब सामान लेना है, ये बाकी कोई भी चीज़ करना हो ना लाइफ में, जैसे बड़ी इमारत बनानी हो तो आज की चार ईंट वहाँ ला के रख देना, अपने आप ख्याल आएगा कि कल रेत लानी, परसों सीमेंट लानी, सरिया लाना है, आप समझ